अरे अंकल जी पूरा सैणी समाज है। महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, बाबा भीमराव अम्बेडकर सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करके अपनी बात शुरू करता हूँ। सभी बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम। हम अमर साथियों को मेरा प्यार, मातृशक्ति के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं समाज के सभी बड़े बुजुर्गों को हमारे बीच में रामनगर से बड़े भाई आदरणीय श्री दर्शन जी, हमारे बड़े भाई पूर्व में प्रिंसिपल धर्मवीर सैनी जी जो रिटायर हो चुके हैं, सब बड़े भाइयों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बड़े बुजुर्गों मेरी बात को ध्यान से सुनना, कहीं मेरी गलती हो तो मुझे क्षमा करना, मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। 2014 में विधानसभा की टिकट मैंने मांगी, मेरे साथ चंदाना गेट का पूरा सैणी समाज, मैं बात करूँ बलबीर सैनी जी की या वीरभान जी की या मोहनलाल जी की या बलबीर पटवारी की, या हमारे बीच में आज हमारे बड़े आदरणीय श्री स्वरूप सिंह सैनी जी की, सभी बड़े बुजुर्गों ने मुझे आशीर्वाद दिया। 2019 के अंदर भाई एक ने मैंने टिकट मांगी, मुझे टिकट नहीं मिली। मैंने आज तक अपने बुजुर्गों से, चाहे वो बलबीर पटवारी जी हैं, चाहे वीरभान जी हैं, चाहे बलबीर सैनी जी हैं, मैंने अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखा है। जितने भी चंदाना गेट के या रामनगर के या भीषणगढ़ गामड़ी के या अमरगढ़ गामडी के सभी बुजुर्गों ने मुझे समय समय पे मौका दिया है। बड़े बुजुर्गों 2014-2019 से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मुझे टिकट नहीं मिली। मैंने 1.5 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, मेरे से पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि पाला राम जी अगर आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मैंने कहा कि पार्टी मेरी माँ है, पार्टी मुझे टिकट देगी, अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती तो मैं आज़ाद चुनाव लड़ूंगा। मैंने ये बात क्यों कही थी, क्योंकि जो मेरा समाज है सैणी समाज, अभी मेरे बुजुर्गों ने बताया है कि हमारे सैणी समाज का इतिहास रहा है। चाहे मनोहर लाल सैनी को हमने MP बनाया हो, चाहे गुरद्याल सैनी जी को बनाया हो, चाहे कैलासू सैनी जी को बनाया हो, चाहे राजकुमार सैनी जी को बनाया हो, अभी पीछे 2019 के अंदर हमने श्री नैम सिंह सैनी जी को MP बनाया और 2020 के अंदर हमारे समाज ने यहाँ से विधायक श्री लीला राम जी को जिताया। ये सैनी समाज की देन है। हमारा जो समाज है वो मेहनत का समाज है और ईमानदार समाज है। मुझे मेरे समाज के ऊपर संपूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास है, तभी मैंने डंके की चोट पे ये फार्म भरा है। जब भी आदमी कोई काम करता है तो सबसे पहले वो अपने घर में अपने मंजे के नीचे लाठी मारता है। मैंने अपने मंजे के नीचे लाठी मारी है। मुझे पता है हो सकता है मेरे अंदर हजारों कमियाँ हों, मैंने हजारों गलती कर रखी हो, लेकिन मुझे ये पता है जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं वो मुझे माफ़ करेंगे, वो बयान करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो मेरे सब साथ हैं। मैंने अपने समाज को बारीकी से देखा है, अपने समाज को बारीकी से पढ़ा है। तो बड़े बुजुर्गों, मैंने तो ये काम कर दिया, अगला काम तुम्हारे हाथ में है। आज हरियाणा के अंदर सत्ता की जो पार्टी है, हमारा एक भी विधायक नहीं है, एक भी विधायक नहीं है। तो किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। मेरी तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, मैंने पहल की है और आप लोगों के विश्वास पर, आप लोगों के दम पे मैंने पहल की है। आप मुझे अपना आशीर्वाद दें। कई मेरे बड़े बुजुर्ग बोल रहे थे कि तन मन से, मैं तो आज पहली बार बोल रहा हूँ, सभी बड़े बुजुर्गों को पता है, आज पहली बार मैं तीसरी चीज बोलूँगा। अरे अंकल जी, पूरा सैणी समाज है। बुजुर्गों, मैं बोल रहा था कि आज तक मैंने दो चीजें तन मन, मैं आज बोल रहा हूँ आप लोगों से कि आप मेरा धन से सहयोग करें, तन मन धन। मैं आज मैंने पहली बार ये तीसरा शब्द बोला है, आज मैंने पहली बार ये तीसरा शब्द बोला है, तन मन धन, क्योंकि ये बड़ा चुनाव है, ये छोटा चुनाव नहीं है, ये बड़ा चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव है, ये एक किस्म से एमएलए का चुनाव है। तो मेरी बड़े बुजुर्गों से आज पहली बार मैंने बोला, सारे बुजुर्ग मुझे जानते हैं, कि तन मन धन से मेरा सहयोग करें। बुजुर्गों, एक बात कहता हूँ, मेरे से कोई जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो, मेरे से या मेरे परिवार से, मैं हाथ जोड़ के तुम्हारे चरणों में प्रणाम करके माफी मांगता हूँ। वीरभान सैनी जी, बलबीर जी, बलबीर पटवारी जी मेरे बीच में बैठे हैं। मेरे हर कार्य के अंदर, मैंने जब मंडी में रैली की थी तो इन बड़े बुजुर्गों ने मेरा जमकर साथ दिया था। मैं कभी भी इन बड़ों का अपना, अगर मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से मान सम्मान मिलता है, इस शहर की कुर्सी मिलती है, मैं कभी भी अपने बड़ों का मान सम्मान निरादर, उनका पूरा मान सम्मान रखूंगा। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐसी समाज की 25,000 वोट हैं। आप लोगों को खुश होना चाहिए, ऐसी समाज की जो 25,000 वोट हैं, आपके बेटे के साथ 15,000 वोट लगी हुई हैं, 15,000। क्योंकि मुझे पता है, मैं ग्राउंड पे काम करने वाला व्यक्ति हूँ, जिस तरह से मैंने ग्राउंड पे काम किया है, अगर मैं हमारे चमार भाइयों की बात करूं, कैथल में अगर 15 से 17 हज़ार हमारे चमार भाइयों की वोट है, तो 12,000 वोट मुझे मिल रही है, 12,000 वोट। मैं अगर बात करूं मेरे वाल्मीकि समाज के, मेरे वाल्मीकि भाइयों की, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पे रहा है। और मैंने कहा है कि सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट की, जिस नगर परिषद की हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं, सबसे पहले मैं जो हमारे नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हैं, अगर मुझे जिम्मेवारी मिलती है जिस तरह से और डिपार्टमेंटों के अंदर कॉलोनी है, मैं नगर परिषद के कर्मचारी भाइयों के लिए नगर परिषद की तरफ से कॉलोनी बनाऊंगा, उन भाइयों के लिए मैं रेस्ट हाउस बनाऊंगा। मैंने कहा है ये गलियां नालियाँ हमेशा बढ़ती रहती हैं, 31 वार्ड हैं, 31 के 31 वार्डों में जो हमारे 31 भाई एमसी बनेंगे उनके सहयोग से जिस तरह से दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने डिस्पेंसरी खुलवा रखी है, इस तरह से हम डिस्पेंसरी खोलेंगे। हर वार्ड के अंदर हम लाइब्रेरी खोलेंगे। और आज जिस सभा के अंदर हमारा प्रोग्राम है, मेरे बड़े बैठे हैं, मैं आज आप सबके चरणों में प्रणाम करके नमस्कार करके मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मुझे जब भी जो भी काम बोलेंगे वो काम मैं आधी रात को भी वचनबद्ध हूं करने के लिए। 36 बिरादरी, अगर मैं आज बात करूं पंजाबी समाज की या अग्रवाल समाज की, पंजाबी समाज से भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है, लेकिन मेरे अपने संबंध हैं, मेरे पास सैकड़ों की तादाद में सुबह से लेकर शाम तक बहुत महिलाएं आती हैं, वो कहती हैं बेटा आप हमारे काम करें, हम आपके साथ हैं। मैं बात करूं अग्रवाल समाज की, अग्रवाल समाज का मुझे हमेशा आशीर्वाद मिला है। मैं बात करूं ब्राह्मण समाज की, ब्राह्मण समाज ने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया है। मैं बात करूं हमारे जाट भाइयों की, उन्होंने मेरा कंधे से कंधा मिला के साथ दिया है। जब 2000 में मैं पार्षद बना था, देपणवाड़ी गामड़ी है माला रोड पे, सबसे पहले उस गामड़ी ने मुझे वोट दिया था। मेरे सर के ऊपर भगवान बाबा श्याम का और 36 बिरादरी का आशीर्वाद है, जो कितना भी मेरा बैकवर्ड समाज, अगर मैं जांगड़ा समाज की बात करूं, प्रजापत समाज की बात करूं, सैन समाज की बात करूं, कश्यप समाज की बात करूं, जितने भी समाज है, धीमान समाज की बात करूं, मैंने ग्राउंड पे चल के बहुत कुछ सीखा है, मैंने मेरे बड़ों से बहुत कुछ सीखा है। मुझे ये पता है कि सोरगर कहाँ पे रहते हैं, कश्यप कहाँ पे रहते हैं, रबारी कहाँ पे रहते हैं, डकौत कहाँ पे रहते हैं, कसाई कहाँ पे रहते हैं, हर बिरादरी के बारे में मुझे मालूम है। तो ग्राउंड के ऊपर मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, हर भाई का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, बड़े हौसले के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे समाज को पता है जब मैं कोई काम ठान लेता हूँ, मैं क्यों ठानता हूँ, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको। 2018 के अंदर हमने हमारे गुरु महाराजा सूर सैनी की शोभा यात्रा निकाली थी, मैंने ये काम ठाना, लेकिन मुझे आशीर्वाद किसका मिला, मेरे बड़ों का, चाहे उसमें बलबीर पटवारी जी थे, स्वरूप सिंह थे, बलबीर सैनी थे, वीरभान जी थे, जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग थे, सब ने मुझे आशीर्वाद दिया और वो जो हमारी शोभा यात्रा थी सफल हुई है। बड़े बुजुर्गों दोबारा फिर से आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, दोबारा फिर से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, अगर मेरे से कोई भूल चूक हो रही हो मुझे क्षमा करना, मैं आपका बेटा हूँ। आप सबने अपनी बेटी को आशीर्वाद दे के विजयी बनाना है। आने वाली 19 तारीख को अपना कीमती वोट, बहुत से साथी ये बोलते हैं दे देंगे जी, वोट है, वोट से देश का प्रधानमंत्री, वोट से देश का राष्ट्रपति, वोट से प्रदेश का मुख्यमंत्री और वोट से हल्के का एमएलए बनता है। तो बड़े बुजुर्गों ये बहुत कीमती चीज़ है, आप सब मुझे अपना कीमती वोट देकर 19 तारीख को आप अपनी बेटी को सफल बनाएं। हमारा समाज तभी आगे बढ़ेगा जब आपका मुझे आशीर्वाद मिलेगा। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की जय। सैणी समाज, हमारा जो इलेक्शन का दौर चल रहा है तो इसमें आप सभी का सैणी धर्मशाला में सैणी सामाजिक शिक्षा समिति की तरफ से यहाँ पहुँचने बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम जितने भी हमारे मेंबर आए हैं, जितनी भी बिरादरी के सभी सदस्य आए हैं, पाला राम जी बहुत बहुत विकास कार्यों में, स्कूल में लेडीज़ों को जो भी कोर्स करवा रहे हैं सभी को बहुत विकास कार्य करा रहे हैं। 5-6 साल से पूरा प्रयास कर रहे हैं और इन्होंने टिकट के बारे में बहुत प्रयास कराया, टिकट मिल जाए। चलो टिकट पार्टी नहीं दे, अब आज़ाद खड़े हैं। मेरा सभी बरादरियों से बेनती है कि सभी पाला राम जी सैणी को 19 तारीख को जो मटके का निशान है उसको बटन दबा के सफल बनाना है। और सभी से यही आशा करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा से वोट जिताकर फलाराम जी को कामयाब बनाना है। धन्यवाद। मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं इस सभा में आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और उसके बाद मुझे भाषण तो देना आता नहीं, मैं सिर्फ 2 शब्दों में कहूँगा कि बिरादरी के पास, अपने समाज के पास आज समय है सभी बिरादरी को दिखाने का, उनको अपने साथ मिलाने का। एकजुट हो, अपनी बिरादरी को साथ लो और दूसरी बिरादरियों को एकजुट करो। पालाराम को भारी मतों से विजयी बनाना है हमारी बिरादरी का। धन्यवाद। है हमारे समाज को ऊपर उठाने का। आप सभी से मेरी अपील है कि आप सभी पालाराम सैनी जी का साथ दें। किसी जाति से, किसी से भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं इनके हौसले के ऊपर मगन हो गया, इतना मगन हो गया कि मेरे मन की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। तो कैथल के निवासियों, सैनिक जागरी के सभी, आपका कर्तव्य बनता है कि पालाराम कितनी भी गलती करे की होती है, मैं आपसे थोड़ी प्रसाद करके माफी मांगता हूँ कि इसको माफ कर दें। यदि आपका एक पुत्र है, आपका बच्चा है, तो उसको माफ कर देना। तन और मन धन से आप अपना इसको कीमती वोट देकर सफल बनाएं।